को। अरे यूं से मारा ना, आगे मत जा, अरे आगे मत जा कोई सभी। अरे उसको आगे तो आने दो यार, आगे बस। आओ सिखाए स्वागत है में। सुबह बैठ, सुबह बैठ, सुबह राइट में। ठीक भाई, भाई यही लुक सही है। सिम्बा इधर नजीब भाई, मतलब परमोलो नाइस हो रहा है। सब साथ में आइए। यही भाई एक शॉट ले सब यहाँ के। चलो पीछे। अब रीजन तो यार एक अच्छी शुरुआत हो रही है, और मुझे मतलब इन दो भाई है संस्कार अलंकार, पहले तो इनके नाम के लिए मुझे बहुत मस्त लगा है। और हमारे घर के करीब ओपन किया है, और ये पूरा लाइन ही आईटी का है। और मुझे लगता है फिल्म सिटी से जो भी रात को निकलते हैं पहले ये खाऊ गली में घूमते हैं, मैं खुद घूमता हूँ, तो हमारे लिए भी एक अच्छी जगह ओपन हुई है, हम सबके लिए एक अच्छी जगह ओपन हुई है। और उन्होंने नाम बहुत अच्छा रखा है, मैंने आपसे जानना चाहूँगा कि क्या रीज़न था इनका। तो बेसिकली ये श्री गोमटेश्वर भवन जो है ये हमारे गॉड है जो कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में गोमटेश्वर स्वामी, उस पर हमने स्टार्ट किया है। ये प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है श्री भाई, और हम लोग ने ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड और उसी क्विजिन में फोकस कर रहे हैं। फिर साउथ इंडियन आपको हर दूसरे रेस्टोरेंट में मिल जाते हैं, लेकिन ऑथेंटिक सिटी और एकदम हाई क्वालिटी फूड अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाने वाले, हमारा वही इंटेंशन से हमने इसको स्टार्ट किया है, वही प्रमोट कर रहे हैं एज अ फैमिली डाइन इन रेस्टोरेंट। और ये लोकेटेड है माइंड स्पेस में, बिहाइंड एवरशाइन मॉल, मलाड वेस्ट में, मुंबई में। तो जैसे आज इनके हाथ से आज ये ओपन हो रहा है, और आप सब लोग आए हुए हैं, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने सबने ट्राई किया हुआ है, अच्छा लगा हुआ आप। और बस इसी तरह आप लोग के इस प्लेटफॉर्म से मैं इनवाइट करना चाहूँगा सभी फूडीज़ को मुंबई के, कि प्लीज़ आइए, ट्राई करिए और अपना फीडबैक और रिव्यूज़ दीजिए और हमें सपोर्ट करिए। एब्सोल्युटली द रीज़न बिहाइंड शिव ठाकरे हियर इज़ बिकॉज वो पावर है अपने आप में, वो एनर्जी है, वो ही हिमसेल्फ इज़ द ब्रांड। वो आए हैं, उन्होंने आके हमें सपोर्ट किया, इज़ अ वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, हम जानते थे बट मिल नहीं पाते क्योंकि अभी बहुत बिजी हो गए। लेकिन बट क्या होता है मतलब ऐसी जगह पे हम खुद ही अवॉइड करते, घर के लोग भी रहे, और ऐसी कोई शुरुआत हो जहाँ पे मुझे नहीं बाकी लोगों को भी कई तकलीफ होने वाली हो, वहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कि अवॉइड करो। बट एक ऐसी जगह कि जहाँ पे मुझे इन लोगों पे ट्रस्ट है जो मैं पहले से पता, मुझे पता है वो चीज़ जो भी करेंगे सही करेंगे, मुझे लगता है उनके साथ खड़े रहने में या फिर जो शुरुआत है नहीं उनको कांग्रेस करने में क्या प्रॉब्लम है, तो मैं रहता हूँ। बाहर वगैरह तुमने बहुत सुने कि 24 आवर्स खुले रहते हैं या ऐसी कंडीशन है जी, पहला एक ऐसा जगह होने वाली है 24 आवर्स ओपन, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे लिए होती है, जो बार में जाके जूस पीने वाले लोग हैं हमारे जैसे, हम सोचते हैं कि तुम पीते रहो, खाने का ढूंढो ना कहाँ पे होता है, तुम गाड़ी में भी पी लोगे, तो हमारे लिए मतलब मुझे लगता है दोनों के लिए। तो ये चीज़ें जो होती है रात भर, बहुत लोग काम करते हैं या फिर चिल भी करते हैं, तो ऐसी बहुत कम जगह है जो रात भर शुरू रहती है, तो मैं तो खुश हूँ कि मेरे लिए ओपन हुई है। तो मेरे जैसे कितने लोग हो गए कि जो रात भर अच्छा फूड ढूंढते हैं, कभी कभी हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं रात को ढूंढने, चलो जो भी मिला भूख जानी चाहिए सिर्फ, तो अच्छी प्लेस अच्छे लोगों ने शुरू की है तो बहुत दूर तक जाएगी। थैंक यू। हमें क्या बोलना है, हमें ये है कि ये आए हैं हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ये इनके पाव आए हैं यहाँ पे, और बस ऐसे ही इनका आशय बना रहे और चलते रहे हमारा। इडली मुझे लगता है एवर, मतलब वो होता है कि हम समोसा कचौरी अगर मैं देखूंगा और इडली देखूंगा तो वर्कआउट वाले लोग पहले बोलेंगे इडली चल जाएगा हमें, हाँ तो वो सबसे बेस्ट होता है। इडली ट्राई ऑफ कोर्स, अंदर आपको और भी चीज़ें प्यार होने वाला है, आप आए ट्राई करिए। सवाल क्या कहना चाहेंगे ऑल द फूडी, फूडी यू नो द
मुझे लगता है कि एक अच्छे इंटेंशन से और अच्छे लोगों ने शुरू किया, तो जैसे हम मैं खुद जाता हूँ तो आप एक बार यहाँ पे विजिट कीजिए, मतलब शायद मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे करीब के लोग इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बट विजिट कीजिए और आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर आओगे, मुझे गारंटी है। और रात भर के लिए ऑप्शन बहुत कम है जो अच्छा फूड हो, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिए और भाइयों को। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच, कांग्रेस। थैंक यू सो मच। लास्ट में आपसे जाना चाहूँगा, बार बार ओपन रहते हैं हम जैसे लोग यहाँ आते हैं, इंडस्ट्री की अगर बात करें तो किन दोस्तों के साथ आप यहाँ पर आना चाहेंगे लेट नाइट अगर आना होगा? देखो मेरा ना एक खतरों का ग्रुप है, डीनो, मैं, अंजलि, अर्जित, बहुत सभी लोग हैं, बट ये चार पांच लोग हैं वो हमेशा ज़्यादा तो मिलते हैं। इसमें ना हम पहले पीना वीना छोड़ के, पहले वो कोई शूट से आता है, कोई इवेंट से आता है, बोले पहले अपन शुरू कर दें, पहले हमारा होता है कि पेट में कुछ जाए फिर गॉसिप करे, फिर अच्छा उसने वो किया उसने वो किया, तो मुझे लगा ये ग्रुप ज़रूर यहाँ पे आके हम एंजॉय करना चाहेंगे। जरूर हम इंतजार करेंगे। जी जी सर, थैंक यू, थैंक यू, आइए सर अंदर। अगर आपको पता है तो मैं पारसी हूँ और पारसी का एक ही मंत्र है, खावानू पीवानू ने मज्जनी लाइफ। मतलब हम लोग सुबह उठते ही डिसाइड करते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट में खाएं क्या खाएंगे, ब्रेकफास्ट में हम लोग डिसाइड करते हैं लंच में क्या खाएंगे, और लंच में खाते खाते हम लोग चाय के बारे में भी बात करते हैं। सो आई थिंक फॉर मी गुड फूड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और जहाँ तक साउथ इंडियन फूड का सवाल है तो वैसे भी मैं पर्सनली साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है, और हम लोग घर पे भी डोसा बनाते हैं पोड़ी के साथ, आई लव मसाला डोसा। एंड इनफैक्ट मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मेरी एक सीक्रेट है, सबसे पहले मैं सांबार टेस्ट करती हूँ, अगर उसमें टिक मार्क मिला ना तो मैं बाकी का सब कुछ ट्राई करूंगी। सो आज भी मैं सबसे पहले सांबार ट्राई करूंगी। शेफ रेडी करो। या मैं टेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बताओ आप मुझे क्या खिलाओगे? पूरा मेन्यू रेडी है, बस आपका वेट कर रहे थे, आप आए हैं। आई लव द लेमन राइस ऑल्सो, फिर दही चावल, कर्ड राइस आई लव, स्पेशली जब हम लोग शूटिंग में जाते हैं तो यू नो कुछ लाइट खाना है, कुछ हेल्दी खाना है, तो इट्स ओनली साउथ इंडियन फूड। आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आपका मतलब यू नो आपको कुछ स्नैक्स भी करना है या आपको मतलब पूरी तरह से खाना भी है, साउथ इंडियन आई थिंक केटर्स टू ऑल दैट, सो यू आर सॉर्टेड। सो मैं इडली बनाती हूँ बिकॉज आजकल वो इडली का मेकर आया है जो आप माइक्रोवेव में लगा सकते हो, एंड ऑब्वियसली खीरा वी गेट एवरीवेयर, द डोसा मिक्स। सो आई मेक इडली, आई मेक बटर इडली, समटाइम्स आई मेक दैम मसाला इडली, वो पैक करके डब्बे में डालती हूँ। हम लोग डोसा तो मतलब हर दो दिन में डोसा बनता ही है हमारे घर में, और गार्लिक बटर आजकल मिलता ही है, इट्स अवेलेबल। सो दे लाइक, मम्मी जब डोसा बनाती है दे लाइक इट, सो इट्स ईजी ऑल्सो, सबको पसंद भी है और परोसते रहो, ये हेल्दी भी है और परोसते रहो गरम गरम। ऑफकोर्स यस, क्योंकि
तो हमने 10-15 दिन बहुत अच्छे से ट्रायल लिया है, हम सेटिस्फाइड है हमारे शेफ हमारी टीम से, और इसलिए हमने इन्हें इनवाइट किया। बाकी का ये फीडबैक आपको देंगी जाने से पहले, उनसे उनसे सुनिए कि क्या उन्हें लगता है, कैसा उन्हें लगता है। खाने के बाद ही वो मैं बताऊंगी। सही बात, इतना एक्टिंग हम लोग नहीं कर सकते, खाना तो खाना पड़ेगा, खाना खा के फिर। वो तो बेस्ट है, वर्ल्ड बेस्ट इन इंडिया है और वर्ल्ड बेस्ट इन मलाड है। 24/7 मतलब मैं ही फोन करती रहूंगी, बिकॉज बच्चे जब यूट्यूब देखते हैं, कुछ देखते हैं ना रात को, फिर मम्मी भूख लग रही है, तो मम्मी कुछ बनाने वाली नहीं है। नाउ आई एम गोना फोन अप श्री गोमतेश्वरी भवन एंड से प्लीज सेंड दिस 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 बस बात खलास, पेट पूजा। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। यस, थैंक यू वेरी मच। आइए, थैंक यू। Limited budget. So, Mr. Okawa,